केपीके में एफआईए को मजबूत इदारा बना रहे हैं। वजीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि सूबे में पेपरलेस निज़ाम हुकूमत पर काम कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को तरबियती कोर्स करवाए जाएंगे। मजीद कहा कि 5,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल जबकि अकलियती कोटे में इजाफा किया गया है। करप्शन में उनको ये प्रोसिक्यूशन हमारा बड़ा कमजोर है। आप देखें हर लेवल पे यहाँ पे एक बंदा पकड़ा जाता है, अगले दिन देखें वो रिहा हो जाता है। तो जो तरीकाकार है इसके तहकीक का या जो इन्वेस्टिगेशन का वो बड़ा कमजोर है। अब उसको जो है ना स्ट्रेंथन बनाया जा रहा है। अभी ई ऑफिस का मतलब ये होता है कि पेपरलेस, और अब तक जो नीचे लेवल पे जितने भी अब हो रही है अब ये पेपरलेस हो रही है। ई ऑफिस मतलब ये कि अगर कोई समरी आती है चीफ सेक्रेटरी तक जो समरी जाती है वो पेपरलेस होती है। इसी तरह ई सिस्टम में, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर को जाती है तो फिर उसकी समरी बनती है। तो अब उसमें इंशाल्लाह ताला इस साल कोशिश हो रही है कि उसको भी ई उस पर ले आए, ऑफिस पे ले आए, ताकि तमाम जितने भी हमारे सेक्रेटरीट के जितने भी काम होते हैं जो थ्रू समरी जाते हैं, जो थ्रू पेपर जाते हैं, वो ख़त्म होकर अब पेपरलेस हो जाएगा। और ये अब तक जो तकरीबन 58 प्रोजेक्ट थे और 58 प्रोजेक्ट में 5,000 से ज़ायद लोगों को परमानेंट किया गया, मुस्तकिल किया गया।